Hyundai ने रिसेंट में न्यू जनरेशन वरना लॉन्च कर दिया है, जिसमें ओल्ड वरना के कंपेयर में हर तरह से चेंजेस किए गए हैं एंड न्यू वरना में एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं। बट रिसेंट में और एक पॉपुलर सेडान को अपडेट मिला था जिसमें भी अब एडवांस फीचर्स मिलते हैं। जी हाँ, हम यहाँ पे होंडा सिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर आप न्यू सेडान लेने का प्लान कर रहे हो तो क्या आपको न्यू Hyundai वरना लेनी चाहिए या फिर न्यू होंडा सिटी? चलिए दोनों कार्स को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। न्यू वर्ना की लेंथ 4535 मिलीमीटर है, जहाँ पे न्यू होंडा सिटी की लेंथ 4583 मिलीमीटर है। न्यू वर्ना की विड्थ 1765 मिलीमीटर है, जहाँ पे न्यू होंडा सिटी की विड्थ 1748 मिलीमीटर है। न्यू वर्ना की हाइट 1475 मिलीमीटर है, जहाँ पे न्यू होंडा सिटी की हाइट 1489 मिलीमीटर है। न्यू वर्ना में आपको 2670 मिलीमीटर का व्हीलबेस मिलता है, जहाँ पे न्यू होंडा सिटी में आपको 2600 मिलीमीटर का व्हीलबेस मिलता है। न्यू वर्ना में आपको 528 लीटर का बोर्ड स्पेस मिलता है, जहाँ पे न्यू होंडा सिटी में आपको 506 लीटर का बोर्ड स्पेस मिलता है। एंड न्यू वर्ना में आपको 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जहाँ पे न्यू होंडा सिटी में भी आपको 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है। सो बोर्ड स्पेस, विड्थ एंड व्हील बेस में न्यू वर्ना बेटर है होंडा सिटी से, जहाँ पे हाइट एंड लेंथ में न्यू होंडा सिटी बेटर है। बट ज्यादा व्हील बेस एंड विड्थ के कारण रियर सीट में न्यू वर्ना में ज्यादा स्पेस आपको मिलेगा एंड बोर्ड स्पेस वाइज भी न्यू वर्ना में ज्यादा सामान आप कैरी कर पाओगे। अब बात करते हैं इंजन की। न्यू वर्ना में आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जिसमें टर्बो इंजन से 158 bhp का पावर एंड 253 Nm फ्यूल प्रोड्यूस होता है, जहां पे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से 113 bhp का पावर एंड 144 Nm फ्यूल प्रोड्यूस होता है। एंड न्यू होंडा सिटी में भी आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जिसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से 119 bhp का पावर एंड 145 Nm प्रोड्यूस होता है एंड हाइब्रिड इंजन से आपको कंबाइंड 124 bhp का पावर एंड 253 Nm मिलता है। सो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाइज होंडा सिटी का इंजन थोड़ा ज्यादा पावरफुल एंड बेटर है। एंड जैसे कि वरना के टर्बो इंजन की वेरिएंट्स की प्राइस होंडा सिटी EHV से सिमिलर होगी, हम होंडा सिटी हाइब्रिड को वरना टर्बो से कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें वरना का इंजन ज्यादा पावरफुल है। सो परफॉर्मेंस वाइज नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में होंडा सिटी का इंजन बेटर है, जहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज होंडा सिटी के हाइब्रिड इंजन के कंपेयर में वरना का टर्बो इंजन ज्यादा पावरफुल है। अब बात करते हैं माइलेज की। तो वरना की नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से आप रियल लाइफ 15-16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे टर्बो इंजन की माइलेज फिगर्स तो रिवील नहीं हुई, बट 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से आप मैक्सिमम 8-10 किलोमीटर पर लीटर की ही माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे होंडा सिटी की नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से आप 60-70 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड हाइब्रिड में आपको 26.5 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलती है, जो रियल लाइफ में भी 20+ किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी। सो माइलेज वाइज नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में दोनों कार्स में ऑलमोस्ट सिमिलर माइलेज ही मिलेगा, बट सिमिलर प्राइस में Hyundai वरना के टर्बो इंजन के कंपेयर में होंडा सिटी EHEV में ज्यादा माइलेज मिलेगी। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर डिजाइन वाइज दोनों कार्स के डिजाइन टोटली डिफरेंट है। सो यह आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड है कि आपको दोनों कार्स में से किस कार की डिजाइन ज्यादा बेटर लगती है। बट Hyundai वरना की डिजाइन थोड़ी कंट्रोवर्सियल है, बिकॉज Hyundai ने न्यू वरना को ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक लुक देने की ट्राई की है, जहाँ पे होंडा सिटी की डिजाइन ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। बट स्टिल ये आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड है कि आपको दोनों कार्स में से किस कार की डिजाइन ज्यादा बेटर लगती है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जिसके दोनों में आपको 16 इंच एलॉय व्हील्स, LED हेडलाइट्स, LED टेल लाइट, 7 पिन एंटीना, इलेक्ट्रिक सनरूफ, रियर डिफोगर, ऑटो हेडलैम्प्स एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट न्यू वरना में LED DRL पूरे बम्पर में फुल विड्थ में मिलते हैं, जहाँ पे होंडा सिटी में LED DRL हेडलाइट यूनिट के पास नॉर्मल मिलते हैं। एंड सिमिलरली न्यू वरना में LED टेल लाइट भी रियर में फुल्ली विड्थ मिलती है, जहाँ पे होंडा सिटी में ट्रेडिशनल स्टाइल में LED टेल लाइट मिलती है। एंड न्यू होंडा सिटी में आपको फॉग लैंप्स भी मिलते हैं, जो आपको न्यू वरना में नहीं मिलते। इसके सिवा एक्सटीरियर फीचर्स वाइज दोनों कार्स में कोई और बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में भी दोनों कार्स का इंटीरियर डिजाइन टोटली डिफरेंट है। एंड एक्सटीरियर डिजाइन के जैसे ही इंटीरियर में भी होंडा सिटी के इंटीरियर थोड़ा बेसिक एंड ट्रेडिशनल स्टाइल का लगता है, जहाँ पे न्यू वरना का इंटीरियर डिजाइन ज्यादा ही मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक लगता है। बट अगर बात हो इंटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वायरलेस चार्जर, ऑटो डिमिंग IRVM, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड कार फीचर्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री एंड रियर AC वेंट जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट न्यू वरना में आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती है, जो आपको न्यू होंडा सिटी में नहीं मिलती। एंड वरना में आपको 10.2 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, जहाँ पे होंडा सिटी में 8 इंच की स्क्रीन मिलती है।
एंड Hyundai वरना में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है, जहाँ पे न्यू होंडा सिटी में सेमी डिजिटल क्लस्टर मिलता है। एंड न्यू वरना में आपको एम्बियंट लाइटिंग भी ज्यादा एरिया में मिलती है, जहाँ पे न्यू सिटी में एम्बियंट लाइटिंग ओनली फुट एरिया में ही मिलती है। बट हाँ, न्यू वरना में आपको क्लाइमेट कंट्रोल के यूनिट में ही स्विचेबल मीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं, जहाँ पे आपको होंडा सिटी में क्लाइमेट कंट्रोल एंड मीडिया कंट्रोल डिफरेंट मिलते हैं। एंड न्यू वरना में आपको इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट मिलती है, जो होंडा सिटी में मिसिंग है। एंड न्यू वरना में रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड स्मार्ट ट्रंक जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो आपको न्यू होंडा सिटी में नहीं मिलते। इसके सिवा दोनों कार्स के इंटीरियर में फीचर्स वाइज कोई और बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट क्लियरली इंटीरियर में यहाँ पे न्यू वरना बेटर है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी वाइज न्यू होंडा सिटी या फिर न्यू वरना का ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट तो नहीं हुआ, बट ये सेम होंडा सिटी को एशियन एनकैप में 5 out of 5 स्टार्स मिले हुए हैं, जहाँ पे न्यू वरना की क्रैश टेस्ट रेटिंग्स पे तो हम अभी कोई कमेंट नहीं कर सकते। बट अगर बात हो सेफ्टी फीचर्स की, तो दोनों कार्स में आपको लेवल 2 एडास फीचर्स मिलते हैं, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट एंड हाई बीम असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। बट न्यू होंडा सिटी में आपको मिड वेरिएंट्स में भी एडास फीचर्स मिलते हैं, जिसमें आप अफोर्डेबल प्राइस में भी एडास फीचर्स के फायदे उठा सकते हो, जहाँ पे न्यू वरना में आपको टॉप वेरिएंट में ही एडास फीचर्स मिलते हैं। एंड इसके साथ दोनों कार्स में 6 एयरबैग्स, ABS, ABD, ESP, आल्सो फिक्स्ड चाइल्ड सीट एंकर्स एंड हिल होल्ड कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट न्यू Hyundai वरना में आपको 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, यानी कि बेस वेरिएंट में भी आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, जहाँ पे होंडा सिटी में बेस वेरिएंट में 4 एयरबैग्स मिलते हैं एंड हायर वेरिएंट्स में ही 6 एयरबैग्स मिलते हैं। एंड होंडा सिटी में हाइब्रिड वेरिएंट में आपको चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक्स मिलती है, एंड Hyundai वरना में भी ओनली टर्बो डीसीटी वेरिएंट में ही चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक्स मिलती है। अदरवाइज दोनों कार्स में नॉर्मल वेरिएंट्स में फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलती है। तो चलिए अब आते हैं कंक्लूजन पे, आपको न्यू होंडा सिटी लेनी चाहिए या फिर न्यू Hyundai वरना। अगर बात हो स्पेस की, फीचर्स की या फिर टर्बो इंजन के पावर की, तो यहाँ पे न्यू वरना बेटर है। बट अगर बात हो माइलेज की, वैल्यू फॉर मनी की एंड सेफ्टी की, तो यहाँ पे होंडा सिटी बेटर है। सो अगर आपके लिए परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप Hyundai वरना का टर्बो वेरिएंट ले सकते हो। बट अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में दोनों कार्स का मिडिल वाला कोई वेरिएंट ले रहे हो, तो इस केस में आपके लिए होंडा सिटी बेटर रहेगी, बिकॉज होंडा सिटी में मिडिल वेरिएंट में भी एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जो आपको वरना में नहीं मिलते। एंड वरना के मिडिल वेरिएंट्स में आपको 8 इंच की स्क्रीन मिलती है, सो फीचर्स वाइज भी होंडा सिटी के कंपेयर में मिड वेरिएंट पे Hyundai वरना ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो उस प्राइस पॉइंट पे दोनों में से आपके लिए होंडा सिटी बेटर रहेगी। बट हाँ, अगर आपको न्यू Hyundai वरना की डिजाइन ज्यादा पसंद आए, तो फिर आप वरना पे जा सकते हो। एंड जिनके लिए माइलेज इंपॉर्टेंट है, वो होंडा सिटी हाइब्रिड मतलब कि होंडा सिटी EHEV ले सकते हैं। तो ये था हमारा कंपैरिजन न्यू Hyundai वरना एंड होंडा सिटी के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करनी हो, तो आप कौन सी कार चूज करोगे, न्यू होंडा सिटी या फिर न्यू Hyundai वरना? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। Thank you.